मॉनसून में हेयर फॉल काफी नॉर्मल है, बहुत सारे लोगों को मॉनसून में बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है। उसका दो कारण है, एक तो है पानी जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है, और दूसरा है फंगल इन्फेक्शन जो हमारे स्कैल्प में हो जाते हैं और जिसकी वजह से भी बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है। आज के वीडियो में दो आसान और इफेक्टिव रेमेडी आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, इससे आपका हेयर फॉल मॉनसून में होगा ही नहीं, बस आपको इनको ट्राई करना है। और इतना ईजी है ना, आपको लगेगा ये तो कोई बच्चा भी कर सकता है। उसके लिए आपको इस वीडियो को कम्प्लीटली देखना पड़ेगा गाइस। चलिए शुरू करते हैं आज का और एक हेयर केयर का वीडियो। वीडियो देखते देखते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नीचे नोटिफिकेशन बटन है उसको भी प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपके पास उसकी जानकारी तुरंत पहुंच जाए। मॉनसून में नॉर्मली कुछ प्रॉब्लम हमें होते हैं, एक तो स्कैल्प में इन्फेक्शन हो जाता है और स्कैल्प बहुत ज्यादा चिपचिपा रहता है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हाई रहता है, इसकी वजह से स्कैल्प में एक चिपचिपाहट फील होता है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है। तो इससे अपने बालों को कैसे बचाएं, दो रेमेडी दिखाऊंगी। दो रेमेडी इतने आसान है और अगर आपने मॉनसून में इनको ट्राई कर लिया तो आई एम टेलिंग यू आपका एक भी हेयर फॉल नहीं होगा, लेकिन आपको कॉन्स्टेंटली ट्राई करना पड़ेगा। दो स्टेप में मैं डिवाइड करने वाली हूँ। सबसे पहला स्टेप, अगर आप मॉनसून में अपने बालों को ऑयलिंग कर रहे हो, वेल एंड गुड, अच्छी बात है, इससे भी मॉनसून में आपके बालों को एक अच्छा सा बूस्ट मिलता है जिससे हेयर फॉल कम होता है। लेकिन आज मैं हेयर ऑयलिंग के बारे में बात करूंगी ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग मॉनसून समर किसी भी सीजन पे बालों में ऑयलिंग नहीं करते हैं। लेकिन जो रेमेडीज मैं बताऊंगी इससे एक भी हेयर फॉल नहीं होगा, और ये सारे रेमेडीज ट्राइड एंड टेस्टेड है। तो मॉनसून में आप लोग बालों को फ्रीक्वेंटली वॉश करो, क्योंकि मॉनसून में देखा गया है कि अगर आपके स्कैल्प में चिपचिपाहट रहता है तो ज्यादा हेयर फॉल होता है। जिस दिन आप बालों को शैम्पू करोगे उस दिन आपको ये दो रेमेडी एक के बाद एक फॉलो करना है। सबसे पहले आपको अपने बालों में एक हर्बल पानी इस्तेमाल करना है। जिस दिन आप शैम्पू कर रहे हो उस दिन सुबह आप ये दो चीज ले लीजिए, एक है एक प्याज और उसके साथ अदरक का एक क्यूब। अगर आपके बाल मीडियम लेंथ के हैं तो फिर आधा प्याज लीजिए, और अगर आपके बाल लंबे हैं तो आप एक बड़ा सा प्याज ले लीजिए। इनको बारीकी से काट लीजिए और इसके साथ एक अदरक का क्यूब लेकर थोड़ा सा काट लीजिए। काटने के बाद इनको अच्छे से पीस लीजिए, मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हो। इसके साथ आपको मिलाना है पानी, जिस भी बर्तन पे आप पानी ले रहे हो ना उसको एकदम फुल करके पानी ले लो। अब इनको डाल दो, डालने के बाद आपको इसको उबालना है और 100% से 75% करना है, इतना उसको उबालना है। उबालने के बाद इसको ठंडा होने के लिए रख देना है, और जब ये ठंडा हो जाए तो इस पानी को छान लेना है। शैम्पू करते टाइम पे, शैम्पू कर रहे हो बालों में तो पानी डालोगे ही, तो नॉर्मल पानी ना डाल के आपको ये वाला पानी सबसे पहले अपने बालों में डालना है और बालों को अच्छे से इससे धो लेना है। सबसे पहले मैं अप्लाई करने वाली हूँ अनियन वाटर को, जिसको मैंने ऑलरेडी तैयार करके रखा है। उसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो मैं फॉलो करूंगी। मैंने बालों में ऑयलिंग करके रखा है तो आप इसको ऑयली बालों में भी लगा सकते हैं और शैम्पू किए हुए बालों में भी इस रेमेडी को ट्राई कर सकते हैं। अप्लाई इट ऑन माय हेयर। अगर आप चाहे तो इसको हल्का करके मसाज भी कर सकते हो, लाइक दिस। इसको थोड़ी देर रखना है बालों में, 2 से 3 सेकेंड, और उसके बाद फिर इसको दूसरी बार अप्लाई करना है बालों में। इसके पानी से अपने बालों को धो लिया है, अभी बारी आती है दूसरे स्टेप की। तो दूसरे स्टेप में हम जो चीज फॉलो करने वाले हैं वो हमारे हार्ड वाटर का प्रॉब्लम 99% सॉल्व कर देगा। मॉनसून क्यों, साल के किसी भी समय आप ये रेमेडी ट्राई कर सकते हो, लेकिन मॉनसून में ये बहुत ही अच्छा काम करेगा। तो नॉर्मली क्या होता है, हम लोग म्यूनिसिपैलिटी का जो पानी है, नल का पानी हमारे घर में आता है, उसी से बालों को धोते हैं, और उस पानी में आयरन बहुत ज़्यादा रहता है, हार्ड वाटर इशू हो जाता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है। और मॉनसून में ये सुनने को आता है कि पाइप में लीकेज हो गया है, पाइप फट गया है, तो बाहर का जो पानी है वो पाइप के अंदर चला जाता है और वही पानी हमारे घर में आता है और उसी से हम अपने बालों को धोते हैं, तो बालों का सत्यानाश हो जाता है। तो इससे बचने के लिए आप मॉनसून में जो पानी आज मैं दिखा रही हूँ उसी पानी से शैम्पू करें। जितनी बार शैम्पू करोगे हफ्ते में इसी पानी से शैम्पू करो, इससे आपके बाल डैमेज भी नहीं होंगे और हेयर फॉल एकदम नहीं होगा। इसके लिए आपको लेना है एक नींबू, अगर आपके बाल लंबे हैं घुटनों तक है तो फिर एक बड़ा सा नींबू ले लो, अगर आपके बाल मीडियम लेंथ के हैं तो नींबू को काट के आधा कर लो। पानी को आपको लेना है बालों को धोने के लिए जितना पानी आपको लगेगा सबसे पहले, तो उतना पानी आप निकाल के ले लीजिए। अब उसके बाद उस पानी में आपको नींबू का रस मिला देना है। मिलाने के बाद तुरंत ही अपने बालों को धोना नहीं है, उसको 15 से 20 मिनट ऐसे ही रख देना है। मान लो एक बाल्टी पानी
आप इस्तेमाल करोगे अपने बालों को धोने के लिए। तो एक बाल्टी पानी सबसे पहले निकाल लो और उसके अंदर आप नींबू का रस डाल दो। इसका रिजल्ट आपको और भी अच्छा मिलेगा अगर आप इस पानी को थोड़ा सा भी गर्म कर लेते हो। मतलब इतना गर्म करना है कि उसके अंदर अगर आप एक थर्मोमीटर भी डालोगे, कांच की कोई शीशी भी डालोगे तो वो फटेगा नहीं। अपना हाथ भी डालोगे तो आपका हाथ जलेगा नहीं। मतलब जिसको हम कहते हैं वार्म कर लेना, उतना गर्म आपको करना है अगर आप इसका रिजल्ट और भी अच्छा चाहते हो तो। नहीं तो ठंडे पानी में भी इस रेमेडी को ट्राई किया जा सकता है। अब इसके अंदर नींबू का रस निचोड़ लो पूरा और उसको अच्छे से मिक्स कर लो और उसके बाद वो काटा नींबू उसी में डाल दो। ठीक है, अब इसको आपको 15 से 20 मिनट ऐसे ही रख देना है। उसके बाद आपको अपने बालों को शैम्पू करना है। शैम्पू करने के लिए सबसे पहले आप अपने बालों को वो जो पानी पहले मैंने दिखाया, प्याज का रस, प्याज और अदरक को मिलाकर जो पानी हमने तैयार किया था, उस पानी को आपको पहले अपने बालों में डालना है। डालने के बाद उससे अपने बालों को धीरे धीरे करके वॉश करना है, मतलब मसाज करना है थोड़ा सा स्कैल्प को, और उसके बाद फिर इस पानी से आपको अपने बालों को धोना है और शैम्पू कर देना है। बस ये दो स्टेप फॉलो करना है। फॉलो करने के बाद आप देखना जब आपके बाल सूख जाएंगे, एक तो आपका हेयर फॉल एकदम भी नहीं होगा और आपके हेयर रूट्स काफ़ी मजबूत होंगे और मानसून में आपका एक भी हेयर फॉल नहीं होगा। क्योंकि प्याज और अदरक हर्बल प्रॉपर्टीज है इनमें, अदरक से आपके स्कैल्प में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन नहीं होगा। मानसून के समय स्कैल्प इन्फेक्शन एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है क्योंकि पानी खराब आता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है। ये आपके बालों को उससे बचाएगा और प्याज का रस हेयर फॉल को कंट्रोल कर देगा। अगर आप पानी को थोड़ा सा भी वार्म कर लेते हो, पानी में जितने सारे जर्म्स रहते हैं वो दूर हो जाते हैं, और उसके बाद अगर उसमें आप थोड़ा सा भी नींबू का रस डाल के अपने बालों को धोते हो तो आपके बालों का फ्रीजनेस एकदम कंट्रोल हो जाता है। तो दो स्टेप आपको बस फॉलो करना है गाइस, और इन दोनों स्टेप को फॉलो करने के बाद शैम्पू कर लो। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि इसी पानी से आपको अपने बालों को वॉश करना है और मतलब शैम्पू भी करना है। कंडीशनर लगाने के बाद भी यही वाला पानी आपको लगाना है, अलग कोई नॉर्मल पानी आपको इस्तेमाल करना ही नहीं है। और अगर आप अपने बालों को पूरे साल मजबूत रखना चाहते हो कि आपका हेयर फॉल एकदम ना हो, तो आप पूरे साल ही इस रेमेडी को ट्राई कर सकते हो। और अगर छोटे बच्चों के बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं, मानसून के समय टीनेजर्स को बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो जाता है, तो उस टाइम पे भी आप ट्राई कर सकते हो। बहुत सारे लड़कियों को पीरियड्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है, स्ट्रेस की वजह से मान लो, या फिर हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। उस टाइम पे भी आप इस पानी को इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, सिर्फ एक पानी आपको नहीं लेना है। दोनों जो रेमेडी मैंने आपको दिखाया है उन दोनों को एक साथ ही आपको ट्राई करना है। आप लोग बस एक बार ट्राई करो, एक महीना ट्राई करो बस। अगर फिलहाल आपके बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, इस रेमेडी को आप एक महीना ट्राई करो, ट्राई करके अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना। मैं इतना कह सकती हूँ कि आपका हेयर फॉल कंट्रोल हो जाएगा, हेयर फॉल एकदम नहीं होगा। और मॉनसून में अगर आप अपने बालों को सेफ रखना चाहते हो तो बारी बारी से इन रेमेडी को ट्राई करो और ट्राई करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर ज़रूर शेयर करना। क्योंकि मैंने अपने बालों के ऊपर इनको ट्राई करके देखा है। पिछले बारिश में मैं भी बारिश के समय बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है मानसून में। तो पिछले साल बारिश के टाइम पे मैंने इन रेमेडी को ट्राई करके देखा है, एकदम हेयर फॉल नहीं हुआ था मुझे। इस साल भी मैं कर रही हूँ, इस साल भी नहीं हो रहे हैं, तो मैंने आप लोगों के साथ ये रेमेडी शेयर करा है। वीडियो से रिलेटेड आपके पास कोई भी सवाल है कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। गाइज, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।